नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण में दोस्तों सेकंड पार्ट के लिए हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमने वर्णमाला परीक्षण की आधारशिला देखी थी दोस्तों, हमने आधारशिला के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला परीक्षण का पहला प्रकार। पहले प्रकार का नाम है दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण का पहले प्रकार का नाम है दोस्तों अक्षर युग्म। पहले प्रकार का नाम है अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का मतलब होता है दोस्तों अक्षरों का जोड़ा, अक्षरों का जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपके अक्षर युग्म का कोई भी सवाल आएगा आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान से समझे। अक्षर युग्म अक्षरों का जोड़ा दोस्तों। अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न आता है और किस प्रकार से उत्तर देते हैं दोस्तों, ये चीजें हमको समझनी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से इसमें का प्रश्न आता है। जैसे मैं एक प्रश्न लिख देता हूं इसको, कि शब्द इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, शब्द इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न है, ये प्रश्न की भाषा है। शब्द इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी। और अब हम किस प्रकार से अक्षरों के जोड़े निकाले दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, अच्छे प्रकार से समझोगे दोस्तों और आराम से हम उत्तर देंगे। इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश, इंग्लिश में पूछा है। जब भी अक्षर युग में आपको निकालना है दोस्तों, करना क्या है ध्यान से सुनिए। अक्षरों के जोड़े किस प्रकार से निकालोगे? पहली कंडीशन दोस्तों याद रखें, अक्षरों का जोड़ा सबसे पहले बाएं से अपन जोड़े प्राप्त करेंगे और फिर दोस्तों जोड़े प्राप्त करेंगे दाएं से। पहली कंडीशन में जोड़े प्राप्त करेंगे बाएं से और दूसरी कंडीशन में जोड़े प्राप्त करेंगे दोस्तों दाएं से। पहले बाएं से जोड़े देखेंगे फिर दाएं से जोड़े देखेंगे, ये बात हमको विशेष रूप से याद रखनी है। इधर से अपन का काम कंप्लीट हो जाएगा बाएं से, फिर अपन का इधर से भी काम अपन को करना है, मतलब दोनों तरीके से जोड़े बना करके दोस्तों हमको देखने हैं। अब दोस्तों देखिए, जोड़े अपन दो प्रकार से यहां पर बना सकते हैं। एक तो इनके कोड लिख करके भी अपन जोड़े बना सकते हैं, अगर आपको कोड याद है तो कोड लिख करके जोड़े बना सकते हैं, अगर आपको कोड याद नहीं है तो बिना कोड याद करे भी बिना कोड लिखे भी हम जोड़े बना सकते हैं। अब मैं आपको पहले प्रश्न में बिना कोड के जोड़े बता रहा हूं दोस्तों, और फिर दूसरे प्रश्न में मैं आपको निश्चित रूप से कोड लिख करके जोड़े बनाना आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, बाएं से देखेंगे और जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिए, कुछ निर्देश है ध्यान दें। पहली बात, ई अक्षर से जोड़ा बनाना है तो अंग्रेजी वर्णमाला बोलनी है ई अक्षर से ही, ई अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला बोलना स्टार्ट करें। और ई से बोलेंगे और कहां तक बोलेंगे? यहां तक बोलेंगे दोस्तों, एच तक। ई से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे। और जब हम अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला बोलते समय याद रखें, जिस अक्षर पर हमने जो अंग्रेजी वर्णमाला बोली, यदि वो अक्षर वहां पर उपस्थित है तो दोस्तों उसके साथ जोड़ा बनेगा और नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, दूसरा निर्देश दोस्तों याद रखें कि इसमें एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं, ये नहीं है कि सब एक अक्षर का एक ही जोड़ा बनेगा, एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी यहां पर बन सकते हैं, ये भी दोस्तों हमको याद रखना है। अब हम ध्यान देते हैं किस प्रकार से जोड़े बनाएं, अच्छे प्रकार से देखिए दोस्तों। सबसे पहले ई, अंग्रेजी वर्णमाला बोलेंगे ई से, बोलिए ई के बाद क्या आता है दोस्तों? एफ। अब दोस्तों हमने यहाँ पर एफ बोला, क्या यहाँ पर एफ उपस्थित है क्या? आप कहोगे नहीं है सर, तो इसके साथ जोड़ा बन सकता है या नहीं बनेगा? मैंने कहा जब जो अक्षर जहां पर बोलेंगे वो वहां पर उपस्थित है तो जोड़ा बनेगा, नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ई एफ और फिर ये जी, हमने यहाँ पर जी बोला, जी उपस्थित है, इसका मतलब जी का जोड़ा बन गया किसके साथ? ई के साथ। तो पहला जोड़ा दोस्तों तैयार हो गया ई और जी का,
ई और जी का जोड़ा तैयार हो गया दोस्तों। वापस देख लीजिए, ई एफ जी, ई और जी का जोड़ा बन चुका है। अब हम गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि सर ई और जी का जोड़ा बन गया, अब इसको छोड़ देते हैं हम, फिर हम एन से जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। जबकि ध्यान रखना है अक्षर युग्म पे एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, ई वाला काम पूरा नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा ई की अंग्रेजी बना वाला बोलनी लाख तक बोलनी, अभी हमने यहां तक बोली, आगे भी देखिए क्या पता और जोड़े बन जाए, एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं दोस्तों। जी के बाद में आता है एच, एच के बाद आता है आई, बिल्कुल आई है, और आई है तो दोस्तों एक जोड़ा और बन गया, और किसका बन गया दोस्तों, ई और आई का, ई और आई का जोड़ा बन चुका है। वापस देख लीजिए, ई एफ जी एक जोड़ा तो ये बन गया, और ई एफ जी एच आई एक जोड़ा ये बन गया। अभी ई का काम पूरा नहीं हुआ है, क्या पता और जोड़े बन जाए, और देखते हैं आई के बाद जे आता है फिर के आता है, अब काम ई का कंप्लीट हो चुका है, ई के साथ दो जोड़े बने बाई तरफ से, वो काम कंप्लीट है दोस्तों। अब स्टार्ट करेंगे कहां से, एन से, एन से बात करें, एन ओ पी क्यू आर एस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एन से कोई जोड़ा नहीं बना दोस्तों, छोड़ दीजिए। जी की बात करें, जी एच आई बिल्कुल बन गया, एक जोड़ा बन गया किसका, जी का, किसके साथ दोस्तों, आई के साथ, जी का आई के साथ एक जोड़ा बन चुका है, जी आई का। आगे बात करें, अब आई के बाद में बोलने की आवश्यकता नहीं है, पहले बोल के हमने देख लिया है। एल से देखो, एल एम एन ओ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, आई से बना ही नहीं, एस सबसे बड़ा अक्षर है दोस्तों, याद रखें सबसे बड़े अक्षर का जोड़ा नहीं बनेगा, एस सबसे बड़ा अक्षर है, इसको छोड़ दीजिए, नहीं जोड़ा बनेगा। बाएं से काम कंप्लीट है, अब दोस्तों कहां से देखेंगे, दाएं से देखेंगे, एक तरफ से काम कंप्लीट हुआ, दाएं से देखो, एच आई जे के एल एम एन बना क्या, नहीं बना, एस से तो बनेगा ही नहीं, सबसे बड़ा अक्षर है। इधर देखो, आई जे के एल एम बना क्या दोस्तों, नहीं बना, और एल और एम और एन बन गया दोस्तों, एल और एन का जोड़ा बन गया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जोड़ों की संख्या हो गई चार, तो हमारा उत्तर होगा चार अक्षर युग्म। कितने जोड़े बने दोस्तों, इसमें चार अक्षर युग्म बने हैं, इंग्लिश शब्द में कितने जोड़े बने हैं, चार, तो आंसर है दोस्तों चार अक्षर युग्म इसमें बने हैं, उतार लीजिए। और तब तक मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं, भाषा यही है, केवल शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, रीजनिंग में कितने बनेंगे, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, रीजनिंग में कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इसको देखिए और उत्तर दीजिए। ऑप्शन एक, ए में एक, फिर दो, और फिर तीन, फिर चार, ये ऑप्शन है, एक दो तीन चार, रीजनिंग में कितने जोड़े बनेंगे, फटाफट बताइए रीजनिंग में कितने अक्षरों के जोड़े बनेंगे, जल्दी जल्दी देखिए। अब मैं दोस्तों यहां पर आपको कोड के माध्यम से बता रहा हूं, कोड लिख देता हूं, 18 5 1 19 15 14 9 14 और 7 कोड लिख दिए दोस्तों। अब बाएं से देखिए, बाएं से, इधर से ये बाया है, बाएं से जोड़े बनाएंगे। अब कोड मैंने लिखे हैं तो अब मैं गिनती बोल रहा हूं दोस्तों, अब अंग्रेजी वर्णमाला नहीं बोल रहा, गिनती किन लोगों के लिए, जिनको अंग्रेजी वर्णमाला ढंग से बोलना नहीं आता दोस्तों, किसी को अंग्रेजी वर्णमाला अपन बोल रहे हैं लेकिन बीच बीच में अपन भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए गिनती, क्योंकि गिनती वाली कंडीशन तो देखे सब, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको गिनती याद नहीं होगी, सबको याद है, लेकिन अक्षरों में अपन भूल जाते हैं, तो इसलिए गिनती का सहारा ले सकते हैं। अब 18 गिनती बोलेंगे, 18 आर से जोड़ा बनाएंगे तो अपन 18 से बोलेंगे, और आप देख लो सबसे बड़ी गिनती कौन सी दोस्तों, इसमें 19 है, तो जल्दी उत्तर देने का तरीका यही है कि 19 से ज्यादा अपन को बोलने की आवश्यकता नहीं है, 18 के बाद 19 बोलेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे 20, 21, 22, 23 सही नहीं है, इसका मतलब ये, रुक जाइए, 5 के बाद देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बना क्या दोस्तों, नहीं बना, ई के साथ कोई जोड़ा नहीं बना, ए के साथ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्कुल बन गया, ए जी, यस, एक जोड़ा बन गया ए और जी का, ए और जी का जोड़ा बन चुका दोस्तों। आगे देखें, अब 19 से कोई बनेगा, नहीं बनेगा, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या का कोई जोड़ा नहीं बनता है, 15 से बाद में 15 से बड़ी संख्या कोई दिखाई दे रही है क्या आपको, सर नहीं है, आगे मत बढ़िए, आप देखो आगे 14 के बाद कोई बड़ी संख्या है क्या, नहीं है, 9 से देखो, 9, 10, 11, 14, 15 बाएं से काम कंप्लीट है, कोई जोड़ा नहीं बना दोस्तों। अब दाएं से देख लीजिए, इधर से देखो 7, 8, 9 बन गया, एक जोड़ा और बन गया दोस्तों, जी और आई का, लेकिन गलती नहीं करें, मैंने कहा गलती नहीं करें,
एक जोड़ा बन गया, छोड़ना नहीं है और चेक करना है, क्या पता और जोड़ा बन जाए। तो नौ के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना है। अब देखेंगे आगे बढ़ो, 14 से देखो, 14, 15, 16 और 17, 18, 19 नहीं बना, 9 से बना ही नहीं दोस्तों। 14 और 15 एक और बन गया दोस्तों, ध्यान दीजिए 14 और 15 ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है लगातार 14 और 15 का, एन ओ का जोड़ा बन गया दोस्तों। और देखे 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 15 से नहीं बनेगा, 19 से बनेगा ही नहीं, 1, 2, 3 नहीं बना, 5 और 6 नहीं बना दोस्तों। कितने अक्षर युग्म है? 3, 3 अक्षर युग्म है, 3 अक्षरों के जोड़े हैं दोस्तों। तो अक्षर युग्म आपकी स्थिति में निश्चित रूप से ये दूसरा प्रश्न में 3 जोड़े बने हैं दोस्तों। एक प्रश्न और देख लेते हैं, जब कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा दोस्तों। प्रपोच, PRAPOSE, प्रपोज में कितने जोड़े हैं, कितने अक्षर युग्म हैं? PRAPOSE, जल्दी 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 उत्तर दीजिए दोस्तों। PRAPOSE प्रपोज में कितने अक्षर युग्म हैं? कोड लिख करके हल करें। 16, 18, 1, 16, 15, 19 और 5 कोड लिख दिए। चलो चेक कर लेते हैं दोस्तों, 16 से स्टार्ट करें, 22 से, 16, 17, 18 और 19। देखो 19 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, आगे मत बढ़ो, बढ़ो तो वैसे ही टाइम पास कर सकते हो। 18, 19 काम खत्म, 1, 2, 3, 4, 5 बन गया दोस्तों। ए और ई का, ए और ई का जोड़ा बन चुका है, ए ई का। 16 से देखें, 16, 17, 18, 19 नहीं बना है, 15, 16 नहीं बना है, 19 का नहीं बनेगा, 22 से काम कंप्लीट। आप दोस्तों कहां से देखेंगे? ढाई से देखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बना क्या? नहीं बना, 19 से तो बड़ा ही नहीं है, 15, 16 का बन गया। ओपी, यस ओपी का बन गया, क्या पता ओ के साथ और जोड़े बन जाए, चेक करते हैं। ओ पी क्यू आर, 15, 16, 17, 18, बिल्कुल एक और बन गया, ओ आर का, ओ आर का एक जोड़ा और बन गया, ध्यान दीजिए 15, 16, 17, 18, ओ और आर का एक जोड़ा और बन चुका है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अब पी से देखते हैं, 16, 17, 18 एक बन गया पी और आर का। अब दोस्तों टोटल कितने बन गए यहां पर? 4 अक्षर युग्म है, 4 अक्षर युग्म है। तो प्रपोज का आंसर है 4, 4 जोड़े दोस्तों यहां पर बने हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अक्षर युग्म टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अक्षर युग्म टॉपिक में करना क्या है? अक्षरों के जोड़े हमको बनाने हैं, और अक्षरों के जोड़े हम बनाएंगे उसमें याद रखें कि जोड़े बाईं तरफ से भी बनेंगे और जोड़े दाईं तरफ से भी बनेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखें दोस्तों कि एक अक्षर के एक से अधिक जोड़े भी बन सकते हैं। तो दोस्तों अक्षर युग्म टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिराना कॉम्पिटिशन क्लासेस को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।